हेलो स्टूडेंट, आई एम आरती, असिस्टेंट टीचर फ्रॉम JGIC होशियारपुर, सेक्टर 52, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आर्थिक विकास की समझ के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय विकास। यह वीडियो विकास अध्याय का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने राष्ट्रीय विकास के अर्थ को समझा। इसके अलावा विभिन्न देशों की तुलना किस प्रकार से की जाए, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या है और आय व अन्य मानदंडों की जानकारी भी प्राप्त की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक सुविधाएं। विकास के लिए आवश्यक तत्व सार्वजनिक सुविधाएं हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाणा केरल से बहुत पीछे है, जैसे कि साक्षरता दर और निवेल उपस्थिति दर में। इसका कारण यह है कि हम धन से सभी वस्तुएं व सेवाएं नहीं खरीद सकते हैं जो हमारे बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, जैसे प्रदूषण रहित वातावरण, बिना मिलावट की दवाएं नहीं प्राप्त कर सकते, हम केवल धन के माध्यम से संक्रामक बीमारियों से भी बचाव नहीं कर सकते जब तक कि पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए प्रयास नहीं करता है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है इसके मुकाबले कि हर घर के लिए अलग से अलग अलग सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएं। माना कि हम ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ सिर्फ एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, क्या वह स्कूल जा पाएगा? अगर उसके गांव में स्कूल नहीं है तो वह स्कूल नहीं जा पाएगा। अगर उसके माता पिता उसे कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ऐसी स्थिति में तो वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है लेकिन उस गांव में रहकर वह स्कूल नहीं जा सकता। उसी स्थिति में अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो सरकार या कोई निजी कंपनी स्कूल बनाएगी और वहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में मुख्य रूप से लड़कियां उच्च विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती क्योंकि सरकार और समाज ने उनके लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी वहाँ शिशु मृत्यु दर भी कम होगी। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की जो दुकानें होती हैं जहाँ पर गरीब लोगों को उचित मूल्यों पर सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक ढंग से कार्य करती है वहाँ पर उस राज्य का स्वास्थ्य और पोषण स्तर भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको भी सस्ते मूल्यों पर राशन उपलब्ध हो जाता है। इस तालिका में भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। इसमें श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भारत की कुछ क्षेत्रों में तुलना की गई है। इसमें सबसे पहले देखिए, सकल राष्ट्रीय आय जो श्रीलंका की है वो 11,326 है और भारत की 6,353 रुपये है। इसका अर्थ है कि श्रीलंका की सकल राष्ट्रीय आय भारत से ज़्यादा है। दूसरा है जन्म के समय संभावित आयु। भारत की जन्म के समय संभावित आयु 68.8 है जबकि श्रीलंका की 75.5 है और नेपाल की 70.6 है, बांग्लादेश की 72.8 है। यानी कि भारत की संभावित आयु श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से कम है। थर्ड है विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष से अधिक। तो भारत की विद्यालय औसत आयु 6.4 है जबकि श्रीलंका की 10.9 है। अब है नेक्स्ट कि विश्व में मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां है जबकि श्रीलंका का 76वां स्थान है। इस तरह हम देखते हैं कि जो श्रीलंका है वे भारत से हर श्रेणी में अधिक अच्छा है जबकि भारत जो है वो श्रीलंका से क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक बड़ा है।
इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भी भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाव्यता में भारत से आगे है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विकास धारणेता। एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का ये स्तर और ऊँचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर हमेशा बना रहे। लेकिन 20वीं सदी के पूर्व से ही बहुत से वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी देना शुरू कर दिया कि विकास का ये वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, यानी अपनाने योग्य नहीं है। हम आजकल कुछ प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी कि वह संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप से प्रदान किए जाते हैं। असंतुलित का अर्थ है कि हम उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, जितना कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि संसाधन प्रकृति द्वारा दिया गया एक मुफ्त उपहार है और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यह अवधारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये संसाधन इतने ही आवश्यक हैं जितना वर्तमान में हमारे लिए। ऐसे बहुत से प्राकृतिक संसाधन हैं जो असीमित नहीं हैं, अर्थात ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि बहुत लिमिटेड मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, और अगर हम सही ढंग से इसका उचित रूप से प्रयोग नहीं करेंगे तो ये एक दिन हमारी धरती पर समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। हमें इन संसाधनों का बहुत ही सीमित पैमाने पर प्रयोग करना होगा, जिससे ये हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सके। भूमिगत जल। भूमिगत जल वह जल जो हमें भूमि के नीचे से प्राप्त होता है। भूमिगत जल नवीकरण ये साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों को भी प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इन साधनों का भी अति उपयोग किया जा रहा है। भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग किया जाता है तो धीरे धीरे भूमिगत जल भी भूमि से समाप्त होना शुरू हो जाता है। गैर नवीकरणीय साधन वो होते हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार होता है और इसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन भी मिल जाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। नए स्रोत भंडार में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे असीमित प्रयोग के कारण ये भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, वर्तमान समय में भी और भविष्य के लिए भी संसाधनों को हमें बचाकर रखना होगा। इसमें इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना होगा जिससे वे भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित रह सकें और हम आने वाले भावी पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे सकें। इस अध्याय में हमने विकास के अर्थ को जाना। इसके अतिरिक्त विकास के लक्ष्य सभी के लिए अलग अलग होते हैं, और विभिन्न राष्ट्रों की तुलना हम किस प्रकार से करेंगे, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय से क्या अर्थ है, आय व अन्य मानदंडों के बारे में हमने जाना, और सार्वजनिक सुविधाएं तथा विकास की धारणीयता के बारे में इस अध्याय में हमने अध्ययन किया।